नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अगले वीडियो में। मेरा नाम है संजय नेगी, आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल एक्सप्लोर विद संजय। पिछले भाग में आपने देखा कि रुद्रप्रयाग और रुद्रप्रयाग से थोड़ा आगे त्रिणी तक का रोड कंडीशन। अभी हम त्रिणी से आगे निकल आए हैं। अगर बात की जाए रोड कंडीशन की तो काफी अच्छी रोड है, अभी इतनी दिक्कत नहीं है इस रोड पे। कंस्ट्रक्शन का काम अभी भी चल ही रहा है। अभी हम सुमेरपुर पहुंचने वाले हैं। यहाँ पर रेलवे स्टेशन बनने का काम चल रहा है अभी, तो सुमेरपुर में भी एक रेलवे स्टेशन है और ये काफी बड़ा रेलवे स्टेशन बनने वाला है जो अभी सुनने में आया है, क्योंकि इसका फिर कंस्ट्रक्शन भी काफी ज्यादा एरिया में हो रहा है। तकरीबन 1 किलोमीटर का एरिया है अगर लंबाई में देखा जाए तो। राइट हैंड साइड में सारा ये रेलवे वाला पोर्शन है, रेलवे का काम चल रहा है यहाँ पे स्टेशन का। यहाँ पे पुल का काम चल रहा है और अगर ये पुल बन जाता है तो हमें तकरीबन 200 या 300 मीटर सफर कम करना पड़ेगा, हमें यहाँ से घूम के जाने की जरूरत नहीं है। और मुझे लगता है कि ऋषिकेश से और श्रीनगर तक जितने भी नए पुल बने हैं तकरीबन 4 से 5 किलोमीटर डिस्टेंस कम हो गया है, क्योंकि अब तक घूम के जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। इसी टाइप से पुल बने हुए हैं अपने जो यहाँ पे बन रहा है, तो हमें ये इतना घूम के जाने की जरूरत नहीं है। तो ऐसे ही काफी जगह पे पुल बने हुए हैं ऋषिकेश से और श्रीनगर के बीच में, तो सफर काफी छोटा भी हो गया है। काफी तो नहीं कहेंगे पर हाँ ये है कि 4-5 किलोमीटर भी मायने रखते हैं। और बद्रीनाथ तक तो थोड़ा सा और बढ़ जाएगा, जो श्रीनगर ऋषिकेश से बद्रीनाथ तक की दूरी होगी। हिमालयन में ऑफ रोडिंग का मजा तो है, ये बात तो कहनी पड़ेगी। माइक टेस्टिंग का मेरा जो एक प्रयोग था वो फेल रहा, अभी भी आप वॉइस ओवर ही सुन रहे हो, तो कोशिश जारी रहेगी जब तक माइक टेस्टिंग कंप्लीट ना हो जाए, जब तक आपको सफर के दौरान ऑडियो ना सुना दी जाए तब तक कोशिश जारी रहेगी। नदी के ऊपर आपको एक पैदल पुल दिख रहा होगा दोनों पहाड़ों को जोड़ता हुआ, पुराना पुल है शायद। क्योंकि अब जो नदी के उस साइड जो गांव है उसके ऊपर रोड भी आ चुकी है। तो जो सामने के गांव वाले होंगे उनको गौचर या रतुड़ा आने के लिए रुद्रप्रयाग से घूम के आने की जरूरत नहीं पड़ती होगी और वो पैदल ही वहां से चल देते होंगे। अभी हम लोग रतुड़ा पहुंच चुके हैं, ये रतुड़ा का इंटर कॉलेज।
रतुड़ा से हम थोड़ा आगे आ चुके हैं। रोड में काफी जगह पे जो खड्डे हैं उनमें पानी भरा हुआ है, तो जिस वजह से गाड़ी थोड़ा धीमे चलानी पड़ रही है मुझे। मेरे पास अभी मैंने स्पोर्ट्स शूज पहने, राइडिंग बूट्स नहीं है वाटरप्रूफ वाले, तो नॉर्मल स्पोर्ट्स शूज मैंने पहने हैं, तो जूतों में पानी चला जाता है और फिर इस ठंड में गीले जूते पहनने में काफी दिक्कत होती है। सामने आपको प्यारा सा वाटरफॉल दिखता हुआ, वाटरफॉल जितने अच्छे दिखते हैं उतने ही नुकसान भी करते हैं। इन्होंने इस वाटरफॉल का जो पानी है वो इस तरफ के लिए रूट किया हुआ है, और अगर यही पानी सड़क में आ जाए तो पूरी सड़क को तहस नहस कर देता है। तो जो चीज जितनी खूबसूरत होती है दिखने में वो उतनी डेंजरस भी होती है। कभी बरसात में यही वाटरफॉल पूरी रोड को निगल जाते हैं। सामने खूबसूरत गांव दिखता हुआ, बहुत ही प्यारी लोकेशन पे गांव।
अभी हम पहुंच गए हैं गोल तीर। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर मेरे नए व्यूअर्स हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और पुराने व्यूअर्स इस वीडियो को जरूर शेयर करें। बैटरी एक्शन कैमरा की ख़त्म हो गई थी जिस कारण से वीडियो यहीं पर एंड करना पड़ रहा है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार एवं धन्यवाद।